हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। इसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम वो करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए। इसमें दिया गया है एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। सो क्रोधित अर्जुन भीष्म से लड़ने के लिए कुछ तीर लेकर गया। विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। और आधे तीरों से उसने भीष्म द्वारा उसके ऊपर चलाए गए तीरों को काट दिया। With six other arrows, he killed the रथ driver of भीष्म। और इसके अलावा छः तीरों से उसने भीष्म के रथ के ड्राइवर को मार दिया। With one arrow each, he knocked down respectively the रथ, flag and the bow of भीष्म। और एक एक तीर से उसने भीष्म के रथ, flag और धनुष को गिरा दिया। Finally, with one more than four times the square root of arrows, he laid down भीष्म unconscious on the arrow bed। और अंततः उसने जितने तीर वो लेकर गया था उसके square root के four times से एक तीर ज़्यादा से भीष्म को unconscious किया और arrow bed पर लेटा दिया। Find the total number of arrows Arjun had। तो बताइए अर्जुन स्टार्टिंग में कितने तीर लेकर गया था, ठीक है, या स्टार्टिंग में अर्जुन के पास में कितने तीर थे। तो क्या निकालना है हम लोगों को, नंबर ऑफ एरोज, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड इक्वल टू एक्स। तो क्या मान लिया हम लोगों ने कि स्टार्टिंग में अर्जुन के पास में कितने एरोज थे, एक्स एरोज थे। देयरफोर यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों को दिया है, विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। मीन्स उसने आधे तीरों का यूज़ किस चीज़ में किया है, भीष्म के तीरों को काटने में किया है। तब हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एरोज यूज्ड इन कटिंग द एरोज थ्रोन बाय भीष्म इक्वल टू कितना यूज़ किया है, हाफ द एरोज, यानी कि जितने एरोज वो लेके गया था, जितने तीर वो लेके गया था, कितने लेके गया था, एक्स, तो इसके आधे तीरों का यूज़ किया है, मीन्स एक्स अपॉन टू। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया कि x अपॉन टू एरोज यूज़ करें कटिंग डाउन में, ठीक है। अगेन आगे बोला गया है विथ सिक्स अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। और इसके अलावा सिक्स एरोज का यूज़ किस चीज़ में किया गया है, रथ के ड्राइवर को मारने में। देयरफॉर नंबर ऑफ एरोज यूज्ड इन किलिंग द रथ ड्राइवर इक्वल टू सिक्स एरोज यूज़ करें, क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को, राइट। अब आगे हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है विद वन एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ ड्राइवर, फ्लैग एंड बो ऑफ भीष्म। यानी कि एक एक तीर से उसने क्या किया है, रथ, फ्लैग और भीष्म के धनुष को गिरा दिया है। तो कितने तीर लगे, एक तीर रथ के लिए, एक तीर फ्लैग के लिए और एक बो के लिए। तो तीनों को जस्ट क्या करें, प्लस कर दें, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, थ्री एरोज यहाँ पर हो जाते हैं, सिक्स एरोज यहाँ पर थे और एक्स अपॉन टू यहाँ पर थे। फाइनली विद वन मोर देन फोर टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज ही लेड भीष्म अनकाउंसियस ऑन एरो बैट। और लास्ट में उसने क्या किया है कि जितने तीर वो लेके गया था, तो कितने कैरी करके लेके गया था, एक्स, तो इसके स्क्वायर रूट के फोर टाइम्स से एक एरो किस चीज़ में यूज़ किया गया है, भीष्म को अनकाउंसियस करके एरो बैट पर लेटाने में। इसका मतलब एक्स एरोज लेके गया था तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, अंडर रूट एक्स, और इसका फोर टाइम्स कितना होगा, फोर से जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे एक तीर ज़्यादा का मतलब वन प्लस कर दें हम लोग, करेक्ट। अब अगर हम लोग इन सब एरोज को प्लस करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ एरोज, क्योंकि जितने तीर उसके पास में थे उसने सारे यूज़ कर लिए। तो जैसे हम लोग क्या करें, इन सब को प्लस करके इक्वेट कर दें जितने उसके पास में एरोज थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देयरफॉर कह सकते हैं एक्स अपॉन टू प्लस यहाँ पे कितने यूज़ करें, सिक्स एरोज यहाँ पर हैं, थ्री एरोज, और यहाँ लास्ट में यूज़ किए फोर रूट एक्स प्लस वन, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एरो जो स्टार्टिंग में अर्जुन के पास में थे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो एक्स अपॉन टू प्लस सिक्स एंड थ्री प्लस वन, सिक्स एंड थ्री नाइन और वन कितना हो गया, टेन, प्लस फोर रूट एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये टू प्रॉब्लम कर रहा है सॉल्व करने में, ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स में। सो जब टू से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वेंटी हो गया, टू से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एट रूट एक्स हो गया, और टू से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टू एक्स। अब क्या करिए, सारे टर्म्स को हम लोग इधर लेके जाते हैं, सिर्फ इस टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एट अंडर रूट एक्स इक्वल टू ये कितना है, टू एक्स, एक्स को इधर ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में जाएगा, ट्वेंटी को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी माइनस में जाएगा, तो क्या रह गया, एट रूट एक्स इक्वल टू टू एक्स में से एक्स माइनस किया तो एक्स माइनस ट्वेंटी।
अब जब तक क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते जब तक कि स्क्वायर रूट ना हटे, राइट। तो इसको हटाना है तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो 8 रूट एक्स का स्क्वायर करना है, और इधर करेंगे तो एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर किया तो ये बन गया 64, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो गया। अभी कैसा लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 400 माइनस 2ab का मतलब 40x, क्लियर। अब इसको भी क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। सो जब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो ऑलरेडी इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x है। अब इसको भी ट्रांसपोज कर देंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो ये हो गया माइनस का 64x प्लस का 400 है एंड दिस इक्वल टू 0। अब प्लस कर दिया हम लोगों ने तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x एंड माइनस 64x कितना हो गया, माइनस का 104x प्लस का 400 है इक्वल टू 0। अब तो ये परफेक्टली लग रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। सो अगर 1 और 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा 400। कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये प्रोडक्ट है हम लोगों का पॉजिटिव। अब इसके टू पार्ट्स करिए, मीन्स टू फैक्टर्स करिए 400 के, जिसको के सम करने पे मिडिल टर्म यानी कि 104 आ जाए। तो क्या निकलेंगे इसके फैक्टर, 100 और 4। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, दोनों को प्लस करेंगे तो 104 आ जाएगा ना। मीन्स 104 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 100 प्लस 4, और 104x के प्लेस पे 100x प्लस 4x रख सकते हैं, रख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर है, माइनस का साइन है, लगाइए 104x के प्लेस पे रख रहे हैं 100x प्लस 4x प्लस 400 है एज इट इज़ लिखिए, दिस इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस साइन की वजह से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4x प्लस 400 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो टर्म्स में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तब यहाँ से क्या रहा, एक x रह जाएगा, माइनस का साइन है लगा देते हैं, x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रहा, 100 माइनस। इन दो टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं। सो बाहर आ गया माइनस 4 कॉमन, तो से यहाँ तो रह गया x, और इस माइनस साइन की वजह से प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये तब रह गया 100 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स में x माइनस 100 यहाँ भी और x माइनस 100 यहाँ भी है, तो इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। सो x माइनस 100 जब हम लोगों ने कॉमन लिया, इस टर्म में से ये तो बाहर आ गया, तब क्या रह गया, x, माइनस का साइन है लगा देते हैं, इस टर्म में से भी x माइनस 100 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया, 4 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के पास में दो एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है आंसर, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 है कम से कम। सो x माइनस 100 अगर 0 है तब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपोज कर दें तो x की वैल्यू निकल के आती है 100, और अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तब हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू निकल के आएगी 4, करेक्ट। सो x की हम लोगों ने यहाँ पर दो वैल्यूज़ फाइंड करी, एक तो क्या है 100 और दूसरा क्या है 4। बट हम लोग यहाँ पर देखें, इवन रथ ड्राइवर कोई मारने में कितने एरोज़ यूज़ करें हैं, 6 एरोज़ यूज़ करें हैं ना, इसका मतलब टोटल एरोज़ 4 तो नहीं हो सकते हैं, करेक्ट। सो ये हम लोगों का गलत आंसर है, लिख देते हैं। So this is not possible because only to kill Rath driver Arjun used 6 arrows, right? तो ये possible नहीं है क्योंकि सिर्फ Rath driver को ही मारने में 6 arrows use करे थे, तो total number of arrows 4 नहीं हो सकते हैं। Therefore सही answer क्या है, x equal to 100 is the right answer of this question. I hope students question आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।